So we are on that stage where we have enough data related to our product जिसको हम यूटिलाइज करेंगे अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग में। अब वो जो इनफ डेटा है वो हमने लास्ट टाइम गैदर करने को देखा था कि किस तरह से हम लोग कीवर्ड वेरिएशन से और किस तरह हमने कंपेटिटर एनालिसिस के थ्रू मैक्सिमम कलेक्शन ऑफ डेटा करना है टू मेक आवर लिस्टिंग मोर ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। और जो और हमारी लिस्टिंग का ऑप्टिमाइज होना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी फर्दर वर्किंग के लिए, इवन फॉर पीपीसी फॉर पेड एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारी चीजें जो फर्दर आगे हमारी लॉन्च स्ट्रेटेजी होंगी वो बहुत हद तक उसका जो पहला पार्ट है वो प्री लॉन्च स्ट्रेटेजी में वर्क करता है। अब प्री लॉन्च स्ट्रेटेजी में हम लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है सिलेक्शन ऑफ द कीवर्ड, और वो किस क्राइटेरिया पर और किस माइंडसेट से हम लोगों ने उसको निकालना है। उस पे हम लोगों ने देखा कीवर्ड को किस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट टूल्स के जरिए कलेक्ट करना है, और उस पे बेस्ट आपका हीलियम ही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस हीलियम इज द बेस्ट टूल एज कंपेयर टू अदर टूल्स व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द कीवर्ड वेरिएशन एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड इवन प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में अगर मैं उसको थोड़ा सा रिपीट भी करूँ तो हम लोगों ने वी वर ऑन द सेकेंड स्टेज जहाँ हम लोगों को कीवर्ड्स चाहिए थे अपनी लिस्टिंग राइटिंग के लिए, और लिस्टिंग राइटिंग हमने करनी है प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड वे से। अब ऑप्टिमाइज्ड वे क्या है कि जिसके अंदर हमारी लिस्टिंग हमारी जो सेल्स कॉपी है वो एक्यूरेट अमेज़न के एल्गोरिदम के रूल्स एंड पॉलिसीज के मुताबिक हो, ताकि हमारे कीवर्ड्स अगेंस्ट आवर सेल्स कॉपी रैंक भी हो सके और इंडेक्स भी हो सके। तो हमारा जो अमेज़न का एल्गोरिदम है वो वर्क ऐसे करता है कि जैसे ही सर्च बार में कोई कीवर्ड सर्च होता है वो कीवर्ड जाता है अमेज़न के डेटाबेस में, और अमेज़न के डेटाबेस में मोस्ट एक्यूरेट डेटा के अकॉर्डिंग रैंकिंग होती है और वो रैंकिंग हमारे सामने शो होती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसके रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं, और उस रैंकिंग की तरफ आने से पहले वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर कीवर्ड्स आर प्रॉपरली इंडेक्स्ड और नॉट। सो ये सारी चीजों को प्रॉपर वे से चलाना है। हमारे जो सिलेक्शन ऑफ द कीवर्ड होगा उसकी बेस पर हमने टाइटल बुलेट पॉइंट्स और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में उसको प्रॉपरली एडजस्ट करना है। ऑल्दो हमने ये सारी चीजें जो प्रोडक्ट लिस्टिंग में लिखनी है इट इज टोटली बेस्ड ऑन आवर प्रोडक्ट, आवर रियल प्रोडक्ट, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, डायमेंशंस ऑफ द प्रोडक्ट, फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्ट, बट स्टिल वी नीड टू एडजस्ट इन अ टेक्निकल वे कि हम लोग वो बेस्ट बेस्ट कीवर्ड जिसके ऊपर हमें अच्छा सर्च वॉल्यूम भी मिलता है, जिसके ऊपर हमें अच्छी सेल्स, जिसकी डिमांड अच्छी, और उसको हम बहुत नेचुरल तरीके से अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर एडजस्ट भी कर सकें। तो ये सारी एक साइंस है जिसकी बेस पर हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करनी है, और प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होगी तो हमारी प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक होगी, और अगर ऑर्गेनिकली रैंक होगी तो ही हमें जो है पेड एडवर्टाइजमेंट में भी फायदा होगा। अब उसके लिए प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज टाइटल, सेकंड वन इज बुलेट पॉइंट्स, एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रोडक्ट लिस्ट जब अपनी सेल कॉपी की बात करते हैं या प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एक प्रोडक्ट है और ये उसकी सेल कॉपी है तो हम इसको अच्छा यहाँ पर आप देखें कि ये एक कंप्लीट टाइटल है रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, और उसके बाद आपके पास नीचे ये पांच पॉइंट्स हैं, इट्स बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। ये फाइव बुलेट पॉइंट्स हैं जिसमें आपने अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स को हाईलाइट किया है। इफ यू रिमेम्बर इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द फ्रेमवर्क एज अ फ्रेमवर्क जिसमें हमने माइंडसेट पे बात की थी, और उसी माइंडसेट को अडॉप्ट करते हुए आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग करनी है, ठीक है। और आपने बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर कीवर्ड मस्ट
दिस प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रोसेस। बेस्ट वे से उसको यूटिलाइज करना है, बहुत नेचुरल वे से उसको यूटिलाइज करना है। देन आप इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, ये सारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपके इनिशियल लेवल पे आप ए प्लस कंटेंट या स्पोर फीचर्स के स्पोर के फीचर्स अवेलेबल नहीं होते। जब आप ब्रांड रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री पे हम लोग अपने नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, जिसमें उसके फीचर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आप उसकी डायमेंशन को डिटेल में डिस्कस किया है, उसके मटेरियल को, उसके फंक्शन को, उसकी पैकिंग को, उसकी वेट को, इन सब चीजों को डिटेल में उसने डिस्कस किया है, ठीक है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू हाईलाइट ऑल फीचर्स इन इन सच स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लिस्टिंग। नंबर वन, टू बुलेट पॉइंट्स, देयर आर फाइव बुलेट पॉइंट्स एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब इसके ऊपर हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, टाइटल कैसा होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसे होने चाहिए, टाइटल कैसे लिखना है, टाइटल के अंदर कीवर्ड्स कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग उसको एक बेस्ट टाइटल बना सकते हैं। और उसका एक इनिशियली हम उसको दोबारा अगर डिस्कस कर लें तो इसका जो आपके का जो स्टार्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, मतलब इट इज बेस्ड ऑन द ब्रांडिंग। आपका जो ब्रांडिंग, आपका जो ब्रांड नेम है वो स्टार्ट में मेंशन होता है, ये मेंशन होना चाहिए। उसके बाद आपके बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर मेन कीवर्ड एंड योर यूनिक कीवर्ड, और स्पेशली वो कीवर्ड या स्पेशली वो स्पेशल चीज जो कि आप हाईलाइट करना चाहते हो टाइटल, जो कि आपकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोडक्ट है, ठीक है। आप अगर कुछ डिफरेंट लेकर आ रहे हैं मार्केट में एंड यू नीड टू हाईलाइट दैट पॉइंट, तो आप उसको टाइटल में डाल सकते हैं। अदरवाइज यू नीड टू एड मेन कीवर्ड एंड यूनिक कीवर्ड इन दैट टाइटल, जिसकी बेसिस पर एक्चुअली आपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। तो आपकी प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग है, जो डेवलपमेंट है, उसकी बेस उसको जिस बेस पर आपने बनाया है, उन कीवर्ड्स पे आपने ज्यादा फोकस करना है इन योर टाइटल। हम बाकी हम एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से इस वजह से डिफरेंट जाते हैं बिकॉज हम लोग कीवर्ड्स के साथ प्ले करते हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट कीवर्ड हम वो प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तो इट्स मीन हमने एक न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट डेवलप किया है, या न्यू फीचर्स ऐड किए हैं उसके अंदर, या देयर इज समथिंग कंपेयर टू आवर कंपेटिटर्स, तो वी नीड टू हाईलाइट दैट दैट कीवर्ड्स एक्चुअली जिनकी बेस पर हमने प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलप। तो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे टाइटल में वो मेन कीवर्ड्स और वो मेन यूनिक कीवर्ड्स आने चाहिए जिनकी बेस पर हमने प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलप की है, और फिर उसकी फर्दर यूटिलाइजेशन जो है वो आपके इसके जो बुलेट पॉइंट्स होंगे उस पे होनी चाहिए, जो कि लास्ट में मैंने डिस्कस भी किया था कि आपका स्वीट स्पॉट, आपकी जो यूनिक फीचर्स हैं, जो वैल्यू एडिशन है, वो सब आपके इन फाइव बुलेट पॉइंट्स पे होनी चाहिए, इंक्लूडिंग साइज एंड डायमेंशंस वो आपके यहाँ पर होनी चाहिए। इफ इफ नेसेसरी अदरवाइज यू कैन डिस्कस फीचर्स, मटेरियल्स, यूनिक सेलिंग, यूनिक वैल्यू एडिशन व्हिच यू एडेड द फीचर्स इन योर प्रोडक्ट, और इफ यू हैव स्पेसिफिक थिंग टू हाईलाइट एज अ स्वीट स्पॉट ऑफ योर बिजनेस, यू नीड टू एड इन दैट फाइव बुलेट पॉइंट्स। और फाइव बुलेट पॉइंट्स में जो लास्ट में भी मैंने आपके साथ आइडिया फ्रेमवर्क को शेयर किया था, उसमें जो सेकेंड चीज थी, यू नीड टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ योर कस्टमर। आपका कस्टमर लैंड करेगा आपकी सेल कॉपी पर ड्यू टू योर टाइटल एंड योर पिक्चर्स, एंड आफ्टर द टाइटल एंड पिक्चर ही विल टेक द डिसीजन ऑन योर फाइव बुलेट पॉइंट्स। सो आपके जो फाइव बुलेट पॉइंट्स हैं उस के थ्रू आपके कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, और उसके इंटरेस्ट डेवलपमेंट की बेस पर ही विल टेक द एक्शन एंड वो कोई चीज को बाय करेगा, तो उससे आपकी बिजनेस जनरेट होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका इंटरेस्ट डेवलप किया गया। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आफ्टर बुलेट पॉइंट, दैट इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन योर ओन, कि आप उसको कितना लंबा कर सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट उसको बना सकते हैं, कितना आई कैची बना सकते हैं, और फिर आगे जाके ब्रांड रजिस्ट्री के बाद जब आपके पास ए प्लस कॉन्टेंट की और स्पोर्ट क्रिएशन की ऑप्शन मौजूद होती है, देन यू कैन मेक मोर अट्रैक्टिव ऑफ योर सेल्स कॉपी।
यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं और उसको हम लोगों ने मजीद एक गो थ्रू उसको ओवरव्यू ले लिया टू मेक द सीक्वेंस इन आवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, अब हमारा जो आज का लेक्चर है ना वो कुछ टेक्निकल हवालों से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है या आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये वाला जो लेक्चर है वो टेक्निकली थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि एक्चुअली आपको क्लियर, और इन्हीं की गलती की वजह से सम टाइम हमारे अकाउंट्स प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी लिस्टिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, इवन हमारी लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाती है, या कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो कि बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं इन आवर बिजनेस। सो इस लेक्चर के अंदर जो आज हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे उनको उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। नंबर वन, सिलेक्शन ऑफ द राइट कैटेगरी। अब हम जब प्रोडक्ट लिस्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए जो चीज है वो है सिलेक्शन ऑफ द राइट कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट को जब आप जाके ऐड करते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल आप हम लोग जब सेलर सेंटर में जाते हैं, तो उन्हें एक न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। हम लोग जब प्राइवेट हैं तो इट मीन्स हम ऐसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं जो कि पहले अमेजोन पे मौजूद नहीं है। ये हमारा ब्रांड है, हम इसके ऑनर हैं, हम इस लिस्टिंग के ऑनर हैं और इसको हम पहली बार लिस्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं वो पहले कोई सेल नहीं कर रहा। इट्स योर प्रोडक्ट, इट्स योर आइडेंटिटी एंड इट शुड बी अ यूनिक एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। सो आप जो प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे उसका जो आप एड अ प्रोडक्ट पे जाएंगे ना सेलर साइट, आपके सामने ये एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपने देखना है कि आपके पास ऑप्शन आएगा, आई एम रेडी not sold on Amazon, I'm uploading a file to multiple products, learn how to list products. So हमारे लिए हमने जिस कैटेगरी में लाइव करना है या जिस चैनल से जाना है वो है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन PL और हमारी जो वो Amazon पर पहले सेल नहीं हो रही, इसको मैं पहली बार सेल कर रही हूँ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल हमारा एक तरफ जो प्रोसेस है वो तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और अब हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके जैसे ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होगी हमने उसको बार कोड प्रोवाइड करने हैं ताकि वो हमारी प्रोडक्ट को वेयर हाउस में भेज सके। तो इसके मिड का जो प्रोसेस है कि वो बार कोड जनरेट करने से पहले हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है और ये सारे प्रोसेस से गुजरना है। ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर डिटेल से डिस्कस कर ली कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, उसके लिए कीवर्ड्स की सिलेक्शन कैसे करनी है, किस क्राइटेरिया पे करनी है, लिखने के लिए क्या माइंडसेट चाहिए, फिर उसके अंदर हमने बुलेट पॉइंट्स टाइटल और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है वो हमने कर लिया। प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग हो गई, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हमें प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। अब हम एक पार्ट है जिसमें अभी हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे, बट वो इतना कुछ है कि हम लोग जो है वो पिक्चर्स के ऊपर उसमें यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ अमेज़न कि उसका क्या साइज होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, 9 पिक्चर्स हैं जो आपने है, तो इनिशियली यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स और उसके अकॉर्डिंग आपने बेस्ट फोटोग्राफी, प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवानी है और फिर आप उसको यूटिलाइज करना है। ऐसे नहीं कि बस कैमरे से ले ली और बस हाईलाइट कर दिया, इट्स नॉट इनफ। ठीक है, आप एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट के हर फीचर को हाईलाइट होना बहुत शोकेसिंग योर प्रोडक्ट, और आपका जो कस्टमर है उसने आपकी प्रोडक्ट को पिक्चर की बेस पर ही खरीदना है। तो आपके जो पिक्चर है, आपके जो इमेजेस हैं वो क्लिस्टर क्लियर होने चाहिए, हर फीचर हाईलाइट होना चाहिए एंड इन योर 9 इमेजेस यू नीड टू हाईलाइट ऑल द फीचर्स, ऑल इम्पॉर्टेंट फीचर्स इन योर इमेजेस। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं टेक्निकली हमें उनको अंडरस्टैंड करना है, और आई रिपीट अगेन एंड अगेन इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
ये वो चीजें हैं जो टेक्निकली जहाँ आके लोग फंस जाते हैं, और ये छोटे छोटे टू दी पॉइंट टेक्निकल पॉइंट्स है ना, ये मतलब लोग इसे बताना क्लियर करना पसंद ही नहीं करते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर छोटी सी छोटी गलती आपके लिए प्रॉब्लम बना सकती है। अगर हमारे पास बार कोड्स नहीं होते, अगर बार कोड्स होते हैं तो हम डाल देते हैं, और अगर नहीं डालने तो क्यों नहीं डालने, और अगर हमने राइट कैटेगरी सिलेक्ट ना की तो क्या होगा, और अगर हमें बार कोड्स हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, और अगर हम GTIN एग्जेम्पशन लेते हैं तो क्यों लेते हैं, और अगर हमें बार कोड ही डालने हैं तो कौन से बार कोड्स डालने चाहिए। ये सारी चीजों का अंडरस्टैंड करना आपके लिए जरूरी है, और प्रोडक्ट लिस्टिंग से पहले ये सारे स्टेप से आपको गुजरना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सेलेक्ट द राइट कैटेगरी। सो राइट कैटेगरी जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करने जाएंगे तो यहाँ पर आप आपके पास सेकेंड स्टेप पे ये पूरी कैटेगरी की ऑप्शंस खुल गई हैं। यहाँ से एक्चुअली आपने कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको राइट कैटेगरीज कैसे पता चलेंगी, फॉर एग्जाम्पल आपका एक कीवर्ड है इन केस अब यहाँ आपने एक कीवर्ड सर्च किया, अब आप देखिएगा एक्चुअली राइट कैटेगरी टू मेक श्योर एक्चुअली व्हाट इज योर राइट कैटेगरी। आपको मेक श्योर जरूर करना है कि आपने अपनी राइट कैटेगरी में ही एंटर होना है। ओके, यहाँ पर आप कुछ लिस्ट को खोलेंगे, चेक करेंगे। अब यहाँ पर आपने देखना है, ये ऊपर आपको यूआरएल नजर आ रहा होगा, इस यूआरएल में आपने एस एन नंबर तक रखना है, उससे आगे जो फालतू का यूआरएल है वो खत्म कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एस एन नंबर है, जैसे मैंने आपको बताया था आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो आपके एस एन नंबर की बेस पे ट्रेस होती है। ये एस एन नंबर एक्चुअली यहाँ लिखा होता है, लेकिन ये आपके यूआरएल में भी होता है, ये आपका एस एन नंबर है। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट वे यही है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड टू चेक द क्विक रिलेटेड टू योर कैटेगरी, तो ये आपका एस एन नंबर है, ऊपर आप यूआरएल में चले जाएं, डायरेक्ट आपका जो ऐसे नंबर है वो आपके यूआरएल में भी मेंशन होता है। अब आपको डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग का यूआरएल पे जाना है, तो आपने ये ऐसे नंबर से आगे जितना भी एक्स्ट्रा यूआरएल था उसको रिमूव करके ऐसे नंबर तक को ओपन करें, तो एक्चुअली ये आपका राइट यूआरएल है। ठीक है, ये एग्जैक्ट यूआरएल है आपकी प्रोडक्ट का। अब यहाँ पर आपने देखना है, जब आप यहाँ पर पहुंच जाएं, एक्स्ट्रा यूआरएल आपने हटा दिया है, इट्स एक्चुअली एक्यूरेट यूआरएल ऑफ योर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आप आए, ये आपकी राइट कैटेगरी शो कर रहा है। ठीक है, अब आप इसी एक्चुअली आपका यही मेन कीवर्ड था, और यही आपकी उस पे देखना है जो कि एक्चुअली मोस्ट रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट को खोलना है। ये नहीं कि इररेलीवेंट प्रोडक्ट्स को खोल खोल के आप चेक कर रहे हो, जो इररेलीवेंट है डोंट कंसिडर दैट प्रोडक्ट, मोस्ट रेलिवेंट प्रोडक्ट को आपने खोलना है। फिर ये आपकी कैटेगरी है, इट्स अ मेन कैटेगरी, देन दीज आर द सब कैटेगरीज। ठीक है, इसी तरह आपने अपने एटलीस्ट 10 कंपेटिटर्स को खोलना है जो कि मोस्ट रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट है, और उनसे आपने सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, अपने एग्जैक्ट यूआरएल पे जाना है। एग्जैक्ट यूआरएल पे जाने के बाद आपने यहाँ से मेक श्योर करना है कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी और किन सब कैटेगरीज में लाई करती है, और जो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम हो सकता है कोई 10 में से कोई ये किसी और में भी लाई कर रही हो, लेकिन मैक्सिमम जो आपकी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज आ रही है आपने भी उसी को यूज करना है। बट मेक श्योर कि आपकी मोस्ट रेलिवेंट प्रोडक्ट होनी चाहिए, और इतना तो आपको भी पता होगा कि आपका कीवर्ड क्या है, आप किस
मेन कैटेगरी में आते हैं और किस तरह आपको ये सारा कुछ जज करना है, या तो आपकी एक कॉमन सेंस भी इसके साथ साथ वर्क कर रही होती है, देन यू नीड टू फाइनलाइज योर कैटेगरी. सिलेक्शन ऑफ द राइट कैटेगरी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोडक्ट लिस्टिंग. अगर आप रॉन्ग कैटेगरी में जा रहे हैं तो ना तो आप रैंक करेंगे, ना आपको कोई सेल मिलेगी, और आप टोटली ऑन अ रॉन्ग डायरेक्शन, और इट्स अ बिग लॉस ऑफ योर मनी. सो मेक श्योर कि आप एक एक्यूरेट कैटेगरी में हैं और एक्यूरेट लिस्टिंग के साथ में. तो इस स्टेप को आपने बहुत केयरफुली करना है. अब फॉर एग्जांपल आप जैसे यहाँ से आपने अब कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को सेलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर अगर पेट सप्लाइज, डॉग, कॉलर और ये यहाँ तक आती है, तो फॉर एग्जांपल पेट सप्लाइज को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ से सब कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से उसकी मजीद सब कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे, और फिर सेम आप उसी को फॉलो करते करते अपने एग्जैक्ट कैटेगरीज में चले जाएंगे. ठीक है, देन यू नीड टू सेलेक्ट दिस वन. ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर एंटर हो गए, यहाँ पर आप आए, तो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है. फॉर एग्जाम्पल अभी हम वेरिएशन की बात नहीं करते, देयर इज नो वेरिएशन व्हेन वी सिलेक्ट दिस वन, वेरिएशन पे हम बाद में आएंगे. अब यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, इसको सिलेक्ट कर दें, तो ये इसकी रेड रेडनेस खत्म हो जाएगी. मतलब ये आपको अब ये रेड का मतलब होता है कि जरूरी चीज उनका ऐड करना जरूरी है. ठीक है, अब यहाँ पर आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी आपने क्लिक कर दिया, तो अब ये आप प्रोडक्ट आईडी डाले बगैर भी आगे जा सकते हैं. अब यहाँ प्रोडक्ट आईडी में क्या था, या प्रोडक्ट आईडी की साइंस क्या है, ये कैसे वर्क करती है. प्रोडक्ट आईडी में हम लोग यूज करते हैं यूपीसी कोड, या डिफरेंट फीचर कोड्स हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप देख लें, GTIN, EAN, ISBN, UPC, SN यूज कर सकते हैं, EN यूज कर सकते हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट मोस्टली पीपल यूजिंग द UPC एंड EAN फॉर यूरोप एंड UPC फॉर द USA एंड अदर यू कैन कंसिडर. बट द थिंग इज कि यहाँ पर आपने प्रोडक्ट आईडी यूज करना है, यू नीड द UPC कोड. आई स्टिल वॉन्ट टू क्लियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको अंडरस्टैंड कर लें. एक रूल है, और वो रूल ये है कि देखिए, हम लोग एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करने जा रहे हैं, हम अभी मैन्युफैक्चर नहीं है. ठीक है, हम मैन्युफैक्चर से चीज बनवा रहे हैं और अपने ब्रांड का नाम देके उसको सेल करेंगे. एट दिस स्टेज वी आर नॉट अ मैन्युफैक्चर, वी डोंट हैव मल्टीपल ऑफ दी प्रोडक्ट्स, सो वी वॉन्ट टू वर्क ऑन आवर न्यू बिजनेस, सो वी जस्ट एंटरिंग इन दिस डोमेन. हम एक न्यू बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, एक न्यू ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं. अमेजोन अंडरस्टैंड योर पॉइंट, और वो आपको एग्जेम्पशन देना चाहता है, लेकिन रूल को पहले समझें, फिर रूल की एग्जेम्पशन को समझें. अब रूल क्या है, रूल ये है कि आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं और आप ये क्लेम करते हैं कि फलां ब्रांड आपका है, आप इसके मैन्युफैक्चरर हैं, ये प्रोडक्ट आपने बनाई है, तो फिर अमेजोन आपको कहता है कि अगर ये प्रोडक्ट आपकी है तो इसका यूपीसी कोड दें. इसका यूपीसी कोड बताएं, यूपीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. इट लुक्स लाइक दिस. सो इस तरह के यूपीसी कोड आपने देखा होगा अक्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर होते हैं. ठीक है, इसको यूपीसी कोड कहते हैं. यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना एक्चुअली रूल. ठीक है, अभी यूनिवर्सल की तरफ आते हैं. ये यूनिवर्सल रूल जो है, यूनिवर्सल रूल फॉर मैन्युफैक्चरर्स. ठीक है, इट्स अ यूनिवर्सल रूल फॉर द मैन्युफैक्चरर कि उनकी वो जितनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अगेंस्ट वो यूपीसी कोड लेते हैं, और वो यूनिवर्सल बार कोड इसको कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि वो इस तरह का होता है. तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि उस
प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये कोड है और ये कोड उस प्रोडक्ट के अलावा दुनिया में किसी को अलॉट नहीं हो सकता। सो इट्स रियल आइडेंटिटी एंड इट्स अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑफ योर मैन्युफैक्चर, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट जो है उसकी एक शनाख्त है इस कोड की बेस पर, और ये नंबर उस प्रोडक्ट के अलावा किसी और को अलॉट नहीं हो सकता, और वो ही शो करेगा कि ये प्रोडक्ट फला मैन्युफैक्चर इसका मालिक है और इस प्रोडक्ट का ये कोड है। तो इफ मैन्युफैक्चर हैव आर डिफरेंट लाइंस ऑफ द प्रोडक्ट, दे मस्ट हैव अ यूपीसी कोड, और वो यूपीसी कोड जो है वो यूनिवर्सल रूल के अकॉर्डिंग उस मैन्युफैक्चर के नाम पर उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट रजिस्टर होने चाहिए इन अ स्पेसिफिक ऑथेंटिक बॉडी। अब वो स्पेसिफिक ऑथेंटिक बॉडी कौन सी है, वो उसको बोलते हैं GS1, ठीक है, GS1 ऑथेंटिकेशन। अब ये जो बॉडी है, ये बॉडी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट दैट यूपीसी कोड, कि ये यूपीसी कोड जो है ये इस प्रोडक्ट का कोड है और इस प्रोडक्ट का मालिक फ्ला मैन्युफैक्चरर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस सर्कल, रूल को समझें। यूनिवर्सल रूल क्या है कि हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है, उसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं। वो प्रोडक्ट कोड एक बॉडी जो है वो देती है। अब वो बॉडी जो है वो GS1 बॉडी को उसको बोलते हैं, और ये यूनिवर्सल एक ऑथेंटिकेशन है अगेंस्ट दैट यूपीसी कोड, और इसकी ऑथेंटिकेशन या इसके अप्रूवल के बाद ही वो जो कोड है, वो जो यूपीसी कोड है, वो ऑफिशियली उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट रजिस्टर हो जाता है इन दैट स्पेसिफिक कंट्री जिसमें उसने रजिस्टर किया है। अब रूल तो ये है, अब अमेज़न आपसे पूछता है, इफ यू आर मैन्युफैक्चरर शो द यूपीसी कोड। अब अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, यू मस्ट हैव अ यूपीसी कोड, और वो भी GS1 का ऑथराइज्ड यूपीसी कोड। बट द थिंग इज, GS1 ऑथराइज्ड यूपीसी कोड आर मोर एक्सपेंसिव, वी कांट अफोर्ड एज अ बिगनर और एज अ स्टार्टर ऑफ द बिजनेस, बिकॉज वी आर नॉट मैन्युफैक्चरर, वी आर जस्ट अ प्राइवेट लेबल ओनर। हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ रहे हैं, तो यूपीसी कोड तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है। वो वाली प्रोडक्ट का अगर मालिक मैन्युफैक्चर था, तो उसने अगर उसका कोई यूपीसी कोड लिया भी था, तो हम उसको अपने नाम नहीं करा सकते, ठीक है, वो हमारी ऑथेंटिकेशन में नहीं आ सकता। वो मालिक उसका, अब वो जो मैन्युफैक्चर है, उसने अगर अपनी किसी प्रोडक्ट पर कोई यूपीसी कोड लिया है, तो वो तो ले सकता है, लेने को हम भी ले सकते हैं। वी नीड टू ऑथराइज दैट यूपीसी कोड अगेंस्ट GS1 ऑथराइजेशन, बट इट इज एक्सपेंसिव फॉर अस बिकॉज उसके पर ईयर अगेंस्ट ईच यूपीसी कोड, उसके पर ईयर जो है वो उसकी जो होता है रिन्यूअल फीस होती है, तो वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है, स्टिल वी आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स। तो ये एक ऐसी चीज है कि हम इसके अंदर घुसना नहीं चाहते, हमें आसानी चाहिए अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। अब इस रूल को ओवरकम करने के लिए या इसको क्रॉस करने के लिए आते हैं कि हमें क्या करना है। अमेजोन तो कहते हैं कि अमेजोन आपको हर रूल के अकॉर्डिंग लेके चलना था, ठीक है। अमेजोन पे काम करने के लिए ना एक चीज बस याद रखिए, जो भी चीज है उसका सही तरीके से करें, सही वे यूज करें, और हर चीज ऑथेंटिक प्रोवाइड करें, आपको कभी कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अमेजोन ने कह दिया, अगर तो आप मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड यू हैव ए यूपीसी कोड, शो योर यूपीसी कोड एंड प्रूव दैट इट्स अ GS1 ऑथेंटिक यूपीसी कोड। बट इफ यू आर नॉट मैन्युफैक्चरर एंड यू डोंट हैव अ यूपीसी कोड, देन यू नीड अ GPIN एग्जेम्पशन। सो आई रिपीट इट अगेन, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अमेजोन कहता है कि अगर आप मैन्युफैक्चर हैं, आप इस प्रोडक्ट को आप लिस्ट करने जा रहे हैं, और अगर आप मैन्युफैक्चर हैं, यू मस्ट हैव अ यूपीसी कोड, प्रोवाइड दैट यूपीसी कोड, बट दैट यूपीसी कोड मस्ट बी द अप्रूव्ड यूपीसी कोड ऑफ GS1 अथॉरिटी। इफ यू आर नॉट मैन्युफैक्चर एंड इफ यू डोंट हैव अ यूपीसी कोड,
ओके बट देन यू नीड अ जीटीआईएन एग्जेम्पशन, ठीक है। सो हमारे केस में सेकंड वाला केस हमारी फेवर में ज्यादा है, ठीक है। हमें यूपीएससी कोड ऑनलाइन मिल भी जाते हैं, हम खरीद भी लेंगे, बट स्टिल वो यूनिक कोड तो होगा, बट वो यूनिक प्रोटेक्ट कोड नहीं होगा बिकॉज वो GS1 का ऑथराइज कोड नहीं है। स्टिल वी नीड द एग्जेम्पशन, वी विल अप्लाई फॉर द GTIN एग्जेम्पशन टू गेट दिस फैसिलिटी, टू शो देम, टू शो द अमेज़न आई एम पीएल ओनर, आई वांट टू लॉन्च माय पीएल ब्रांड, आई एम नॉट द मैन्युफैक्चरर एंड आई वांट द GTIN एग्जेम्पशन। व्हेन यू विल गेट द GTIN एग्जेम्पशन एंड अप्रूवल अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक कैटेगरी, यू विल बी अलाउड टू एंटर द प्रोडक्ट इन दैट स्पेसिफिक कैटेगरी। फिर आपको प्रोडक्ट आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम जो हमने अभी किया, फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ प्रोडक्ट लिस्टिंग पे आए थे तो वही चीज मैंने आपको बताई कि यहाँ पर हमने जब प्रोडक्ट लिस्टिंग की तो यहाँ पर जब मैंने मेंशन किया आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, तो वो उसने मुझे रेड से ग्रीन कर ब्लू कर दिया या ग्रीन कर दिया। अब रीजन इसका ये है कि मेरे इस अकाउंट में इस कैटेगरी के अगेंस्ट मैं GTIN एग्जेम्पशन या अपनी ब्रांड के अगेंस्ट मैं GTIN एग्जेम्पशन ले चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको GTIN एग्जेम्पशन मिल जाएगा, आपकी ब्रांड अप्रूव हो जाएगी उस कैटेगरी में, स्टिल कुछ कैटेगरीज में आपको दोबारा से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी, बट यू आप उसपे परमिशन उस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप उनको प्रूफ देंगे कि यू आर ऑनर ऑफ दिस ब्रांड बट यू डोंट हैव द यूपीसी कोड एंड यू नीड द GTIN एग्जेम्पशन, तो आपको GTIN एग्जेम्पशन मिल जाती है। उसके अगेंस्ट अमेजोन आपसे पूछेगा कि ये आपकी प्रोडक्ट है तो शो योर लोगो, योर ब्रांड नेम और योर प्रोडक्ट एंड शो अस द रियल टाइम पिक्चर, तो आप उनको रियल टाइम पिक्चर शो कर देते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, एक तो इसीलिए समटाइम वो अप्रूवल हो जाते हैं या समटाइम अमेजोन जो है वो खुद भी आपसे पूछ लेता है, वो किसी भी टाइम पे आपसे पूछ लेता है टू वेरीफाई दैट यू आर द ब्रांड ओनर, तो फिर वो कहेगा कि अपनी रियल टाइम पिक्चर्स भेजो जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट का लोगो लगा हुआ होना चाहिए। तो आपको कोशिश यही करनी है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उस पर आपका लोगो लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये आपको ब्रांड ओनर शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन योर अमेजोन। अब GTIN एग्जेम्पशन, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं तो मेरे पास तो GTIN एग्जेम्पशन है, तो यहाँ पर ये ब्लू हो गया। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट हैव, तो इसका प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। आप जस्ट सिंपल जाएं गूगल में और गूगल पे आप लिखेंगे हाउ अप्लाई फॉर द GTIN एग्जेम्पशन, वो आपको इस स्ट्रेट इस यूआरएल पे ले आएगा, ठीक है। आप उस स्ट्रेट इस यूआरएल पे आएंगे तो यहाँ पर आके आपने क्लिक करना है अप्लाई फॉर अ GTIN एग्जेम्पशन, बट मेक श्योर कि ये यूआरएल आपका जब आपका सेलर सेंट्रल लॉगिन हो तब आपने जाना है, ठीक है। जब आपका सेलर सेंटर लॉगिन होगा देन अप्लाई फॉर द GTIN एग्जेम्पशन, क्लिक फॉर इट, और ये आपके सामने इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल जिस भी कैटेगरी में आप जा रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में आपने जाके प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर पेट सप्लाईज में जा रहे थे तो यहाँ जाके आपने पेट सप्लाई को सिलेक्ट करना है, ठीक है। पेट सप्लायर्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपने ब्रांड का नाम लिखना है, जो भी आपके ब्रांड का, जिस ब्रांड के अगेंस्ट आपने उसको अप्रूव करना है, ठीक है। अब ये नेट स्लो है तो यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ, हाँ ये हो गया, पेट सप्लायर्स हो गया, और यहाँ पर आपने अपना ब्रांड का नेम ऐड कर देना है और फिर चेक फॉर एलिजिबिलिटी कर देना है। जैसे ही आप चेक फॉर एलिजिबिलिटी करेंगे वो आपसे मजीद कुछ इंफॉर्मेशन मांगेंगे, मोस्टली उसमें पिक्चर्स होती हैं कि अपनी ब्रांड के नाम, आपकी अपनी रियल टाइम पिक्चर अपलोड करें जिससे आपका जो ब्रांड है वो शो हो रहा हो, ठीक है। तो फिर आप उसके अगेंस्ट जो है, फॉर एग्जांपल मैं इसको आगे तक तो नहीं लेकर जा सकती, अगर चेक एलिजिबिलिटी करते हैं ये एक्चुअली मुझे इसके अगेंस्ट अप्रूव तो नहीं कराना है, बट चेक कर लेते हैं, ठीक है। अ ब्रांड नॉट 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 एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं इसको अभी नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक ब्रांड को अप्रूव करवा चुकी हूँ, तो मैं इसके अगेंस्ट अभी कोई एसेंट क्रिएट नहीं किया, तो
तो मैं नहीं जा सकती। सो प्रोसेस इज कि यहाँ पर आपने उस सिलेक्ट जिस कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी ब्रांड का नाम लिखना है, फिर चेक फॉर एलिजिबिलिटी करना है और आगे प्रोसीड करेंगे। वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन यही मांगेंगे कि रियल टाइम पिक्चर सेंड करते हैं टू शो दैट इट्स योर ब्रांड। उसके बाद आफ्टर 24 आवर आपको अप्रूवल मिल जाता है उस कैटेगरी के अगेंस्ट। अब जैसे ही आपको अप्रूवल GTIN एग्जेम्पशन आपका अप्रूव हो जाता है, फिर आप जब प्रोडक्ट लिस्टिंग करने जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करने से आपको प्रोडक्ट आईडी की एग्जेम्पशन मिल जाती है। आप प्रोडक्ट आईडी यानी UPC कोड के बगैर भी प्रोडक्ट लिस्ट कर लेंगे। यहाँ पर फिर नेक्स्ट आप अपना प्रोडक्ट टाइटल डालेंगे, ब्रांड नेम डालेंगे, मैन्युफैक्चरर नेम डालेंगे, उसमें आपको अपने ब्रांड नेम को ही यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सपायरेबल है नो यूनिट काउंट, एक प्रोडक्ट में कितने यूनिट हैं वो आप मेंशन करेंगे, उसका अगर वेट है स्पेसिफिक वो मेंशन करेंगे। अब आते हैं वेरिएशन की तरफ। अगर आप वेरिएशंस बना रहे हैं तो यहाँ पर बहुत क्लियरली वेरिएशंस की टाइप है। अगर साइज की वेरिएशन है, जस्ट सेलेक्ट द साइज, एड द साइज, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल एडेड मीडियम एंड लार्ज एंड, ठीक है। अब यहाँ पर आपके स्मॉल मीडियम लार्ज हो गए, अब वो उसकी पूरी डिटेल आ गई, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, फिर आपकी प्रोडक्ट आईडी आ गई, ठीक है। ये प्रोडक्ट आईडी खुद ही क्रिएट हो जाएगी, सेलेक्ट द टाइप आईडी। अब इसका हम ऑलरेडी एग्जेप्शन ले चुके हैं, कंडीशन आपकी जो है वो न्यू हो जाएगी। यहाँ पर आप अपने जितने भी डॉलर्स आपने रखने हैं प्राइस के, और कितनी क्वांटिटी है आपकी, स्मॉल की कितनी क्वांटिटी भेजनी है, मीडियम की कितनी क्वांटिटी भेजनी है, लार्ज की कितनी क्वांटिटी भेजनी है, यू विल मेंशन हियर। ऑफर में आप आ जाएं तो यहाँ पर आपने अपनी प्राइस मेंशन करनी है, ठीक है। ये इसको आपने यहाँ पर ख्याल रखना है, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, इट इज फॉर द FBM। एंड जब आप FBA कर रहे हैं तो यू विल सेलेक्ट द Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइस सेट की, उसके बाद आपने इमेजेस ऐड करने हैं, आपकी इमेजेस ऐड करेंगे, फिर आपने मोर एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करना है और इसको ओपन करें तो आपके पास मजीद डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर अब आपने अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो राइट की थी वो डालेंगे। यहाँ पर आप बुलेट पॉइंट्स डालते जाएंगे, एड मोर एड मोर एड मोर एंड एड मोर, इट्स अ 5 बुलेट पॉइंट्स। यहाँ पर आप 5 बुलेट पॉइंट्स ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए कीवर्ड्स पे, हियर इज द थिंग, जहाँ पर आप सर्च टर्म ऐड करेंगे। ये यहाँ पर एक्चुअली आपने वो कीवर्ड यूज करने हैं, वो सारी कलेक्शन ऑफ द कीवर्ड्स को आपने यूज करना है जो कि आप लिस्टिंग में यूज नहीं कर सके, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं। अब हम कीवर्ड वेरिएशन से और कंपेटिटर एनालिसिस से इतना काम करके आए हैं कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स ऑफ कलेक्शन मौजूद है और वो सारे आप लिस्टिंग में नहीं डाल सके, उनको आपने सर्च टर्म में डालना है। एंड मेक श्योर कि आपने एक वर्ड देन स्पेस, फिर नेक्स्ट वर्ड देन स्पेस, फिर नेक्स्ट वर्ड देन स्पेस, इस पैटर्न पे आपने इसके अंदर कीवर्ड डालना है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर स्पेस कॉलर, डोंट नीड द यू डोंट नीड टू यूज द कॉमास बिटवीन दीज कीवर्ड्स, जस्ट यूज द स्पेस इन दीज कीवर्ड्स, ठीक है। तो जितने आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको आपने बैकएंड सर्च टर्म में ऐड कर देना है, तो उससे क्या होगा कि इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट भी ट्रैफिक आपके जो लिस्टिंग है उस पे आएगी। और ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो कि आप अपनी फ्रंट एंड लिस्टिंग पे ऐड नहीं कर सके वो आप बैक एंड सर्च टर्म में डाल देंगे, तो वो सारे कीवर्ड्स इंडेक्स भी होंगे, रैंक भी होंगे और आपको हेल्प भी करेंगे इन योर सेल्स, ठीक है। इन मोर डिटेल्स इफ यू हैव मोर डिटेल अबाउट योर प्रोडक्ट, जैसे आपके मजीद जो और डिटेल होती है आपकी प्रोडक्ट डायमेंशंस, उसका लेंथ, उसका वेट, उसकी हाइट, इफ और भी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इन केस इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट द पैकेज डायमेंशन, ठीक है,
मतलब जाहिर है अगर मैन्युफैक्चर पैकेज बना के भेजेगा और अगर अभी आपको क्लियर नहीं है तो ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और क्योंकि अगर आप ये स्किप कर देते हैं और आप प्रोडक्ट को शिप भी करा देते हैं और वो वेयर हाउस पे पहुंच जाती है, तो वो अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक उसकी जो डायमेंशन है वो खुद देख लेते हैं और खुद अपडेट कर देते हैं इन देयर डेटाबेस, तो उससे इतना प्रॉब्लम नहीं बनता। बाकी ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसमें आपके इमेजेस, आपके टाइटल, आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, आपके फीचर्स, सर्च टर्म, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं जो कि हमने डिस्कस की हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज राइट सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी एंड आफ्टर कैटेगरी गेट द जीटीआई एन एग्जेम्पशन बिकॉज यू डोंट हैव अ यूपीसी कोड एंड डोंट ट्राई टू गेट द यूपीसी कोड। ठीक है, कोशिश ये करें कि यूपीसी कोड को अवॉइड ही करें, क्योंकि यूपीसी कोड को अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे और यूपीसी कोड डाल भी देंगे ना, तो फिर भी एक स्टेज पर आकर बजाय इसके कि आपके लिए आसानी बने, अमेजोन कोई ना कोई नोटिफिकेशन क्रिएट कर देगा और वो बोलेगा कि ये यूपीसी कोड जो तुमने डाला है ना, इसे प्रूफ करो कि ये GS1 अथॉरिटी की यूपीसी कोड है और ये आपका है, तो वो आप प्रूफ नहीं कर सकेंगे। इन द एंड आपको GTIN एग्जेम्पशन की तरफ ही जाना है, तो डे वन से ही आप GTIN एग्जेम्पशन लें और उस पर काम शुरू करें। ठीक है साजिद, आप अपना प्लीज इसको म्यूट करें। अब यहां से आप देखिए, अब यहां तक हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है शिपमेंट प्लान क्रिएट करने का। अहमद भी नहीं है, साजिद प्लीज। अच्छा, आज क्योंकि कम है और आज मैंने जो कुछ चीजें बताई हैं टेक्निकली दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, शिपमेंट प्लान क्रिएशन जो है वो मैं कल के लेक्चर पे बताऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल ही होगा और मैं कल के लेक्चर में डिटेल से शिपमेंट प्लान क्रिएट करना बताऊंगी, बिकॉज अगर आज बताया तो वो ज्यादा लंबा हो जाएगा और आपकी दोनों चीजें जो है वो आपको कंफ्यूज कर सकती है, वो भी थोड़ा टेक्निकल है और ये आज का जो लेक्चर था ये भी टेक्निकल है, तो आप इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, इनको मिक्स नहीं करना एंड मेक श्योर कि एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करें। तो आज का जो चीजें हैं वो उसको मजीद अंडरस्टैंड करें, कल का जो हमारा टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लोगों ने जो प्रोडक्ट लिस्टिंग की है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रोडक्ट लिस्टिंग हमने कर ली, कंप्लीट हो गई, यहाँ से आप कर देंगे सेव एंड फिनिश। ठीक है, आफ्टर 30 मिनट्स या आफ्टर 15 मिनट्स ये आपकी लिस्टिंग को अप्रूव कर देगा। जब ये हमारी लिस्टिंग अप्रूव हो जाएगी फिर हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करने की तरफ आएंगे। ठीक है, सो प्रोडक्ट लिस्टिंग, फिर हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग अप्रूव हो जाएगी तो मैं इसको दोबारा एक दफा रिपीट कर देती हूँ कि वी क्रिएट द प्रोडक्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन द माइंडसेट वी जस्ट डिस्कस द आईटा फ्रेमवर्क टू फोकस ऑन द टाइटल बुलेट पॉइंट्स एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टू यूटिलाइज द बेस्ट टू ट्राई टू यूटिलाइज द कीवर्ड्स इन द बेस्ट मैक्सिमम वे टू ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग कर ली, द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, और जब आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है तो आपने किस आपने सिलेक्शन ऑफ द राइट कैटेगरी करना है और उससे पहले आपने जो एड कैटेगरी करना है उस पर ख्याल रखना है कि सेलेक्ट द एरिया कि आप ये प्रोडक्ट पहले मार्केट में सेल नहीं हो रही, यू आर द फर्स्ट वन टू लिस्ट दिस प्रोडक्ट, देन सेलेक्ट द राइट कैटेगरी एंड आफ्टर कैटेगरी you need to get the approval against that category for your brand. ठीक है, in that case इसमें दो चीजें कवर हो जाएंगी कि एक तो आपको उस कैटेगरी में अप्रूवल मिल जाएगा, बिकॉज यू डोंट हैव अ यूपीसी कोड, यू नीड टू गेट द जीटीआईएन एग्जेम्पशन एंड यू विल गेट द जीटीआईएन एग्जेम्पशन अगेंस्ट दैट कैटेगरी, और उससे फिर आपको यूपीसी कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यूपीसी कोड की जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल रूल for the manufacturers to have a unique product code against each product authorized by the GS1 authentications. If you don't have that approved GS1
GS1. So you don't, so you are not the manufacturer, you don't have the UPC code. So it is for your easy approach, because you are new here and Amazon giving you the facility of the GTN exemption. So वो कहता है कि अगर आप manufacturer नहीं हैं, rule को ज़ाहिर है rule को तो follow करना ही है. अगर आप manufacturer हैं तो show the authorized UPC code. और अगर आप manufacturer नहीं हैं, आप private label हैं, तो कोई बात नहीं, get the GTN exemption. तो आप GTN exemption के लिए apply कर देंगे against your brand. Select the category जिसमें आपने list करना है. Brand का नाम mention करें और अपनी product की images, real time images अपलोड करें एंड वेट फॉर द अप्रूवल. जैसे ही आपको अप्रूवल आ जाएगा विद इन 24 आवर्स यू विल गेट द अप्रूवल मेल. तो यहाँ पर आप जाएंगे आपके अकाउंट में, ऊपर कैटेलॉग में व्यू सेलिंग एप्लीकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है, कि जो भी आपकी ब्रांड है वो अप्रूव हो चुकी है. फिर वहां पर आप एड प्रोडक्ट पे जाके उसके थ्रू फिर आपने एड प्रोडक्ट पे जाना है. View selling application, click on catalog, click on view selling application and go for the status. If your status is approved against that brand, then add a product through that channel, not a direct from that product. इसको आप फिर view selling पे आएंगे, status देखेंगे, approved है, तो फिर उस brand के against आप product को list करेंगे, तो फिर आपको GTN exemption के through प्रॉपर चैनल आ जाएंगे, फिर आपको यूपीसी कोड इस तरीके से नहीं मांगेगा. तो इसको फॉलो करना है आपने. अगर आप इसको फॉलो नहीं करते या यूपीसी कोड जस्ट कहीं से उठा के आप ऐड कर लेते हैं तो ये चीजें आपको फ्यूचर में नुकसान देंगी, क्योंकि आप उसको नहीं कर सकेंगे कि GS1 ऑथराइज है और फिर आपकी लिस्ट सप्रेस हो जाएगी और तब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे जब तक आपकी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हो जाती. और अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो जाएगी तो देन ठीक है, वो आपके अपने नाम पर आपको अलॉट कर देते हैं. सो ये था आज का लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे.